Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about a part of integrated pest management, that is the biotechnological approaches which is applying pest management. So we started. First is biotechnology in agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम और इसका क्या रोल है, सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी. सो कोई भी ऐसी टेक्निक्स जिसमें क्या हो रहा है कि हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं या उस ऑर्गेनिज्म से हम कोई सब्सटेंस लेकर उसका उस सब्सटेंट का यूज़ कर रहे हैं और कई बार हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यूज़ करने के रूप में. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उससे प्राप्त कोई सब्सटेंट है उसका यूज़ करके हम कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या प्रोडक्ट पहले से जो है उसे मॉडिफाई कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं. किसके लिए इम्प्रूव कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल के लिए. कुछ ऐसे मतलब सब्सटेंट या कोई ऐसा मटेरियल हम डेवलप कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ सब्सटेंट विच इज़ फाउंड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द स्पेसिफिक यूजेस के लिए. तो इसका क्या होगा, इसलिए जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में यूजफुल है क्योंकि हम मॉडिफाई कर इम्प्रूव कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक यूजेस के लिए. सो हाउ इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी यूज, हाउ मतलब कैसे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्स्ट इज़ दैट कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है. एंड मॉलिकुलर मार्कर, सेकेंड जो सबसे ज़्यादा मतलब एक के बाद एक बता रही हूँ आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में. देन मॉलिकुलर मार्कर, सर्टेन काइंड्स ऑफ मॉलिकुलर मार्कर आइडेंटिफाई किए गए हैं उनका यूज़ किया जाता है. देन मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स यूज़ किए जाते हैं. देन वैक्सीन्स यूज़ किए जाते हैं एंड टिश्यू कल्चर यूज़ किया जाता है. तो टिश्यू कल्चर भी यूज़ किया जाता है, वैक्सीनेशंस भी हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. एंड मॉलिकुलर मार्कर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यूज़ किया ही जाता है. वी सी द टाइम लाइन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ओके, सो सबसे पहले 1938 में एज यू सी इन द पिक्चर्स स्पोरिन फॉर्म फ्रांस, ठीक है. स्पोरिन एक प्रोडक्ट था जो कि कहाँ से हमको मिला था, फ्रांस से. इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट. तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट जो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच से मिला पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ द स्पोरिन, और 1938 में मिला था. ओके, 1938 में. उसके बाद 1962 में हमको क्या हुआ, कुर्सकी, ठीक है. इट इज़ आइसोलेटेड एज अ हाईली पोटेंट स्ट्रेन इन फ्रांस. ये भी हाईली पोटेंट स्ट्रेन था जो कि फ्रांस से हमको मिला. एंड उसके बाद 1990 में फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसजेनिक क्रॉप वायरस रेजिस्टेंट, मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हमको मिला, वो क्या था, वायरस रेजिस्टेंट था, टोबैको था, जो कि क्या था, वायरस रेजिस्टेंट टोबैको था. और ये हमको मिला है चाइना से 1990 में. उसके बाद क्या हुआ था, 1990 में ही काइमोसिन, इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ rDNA, दैट इज़ द रेप्लिकेशन DNA या फिर राइबोसोमल DNA है इन फूड सप्लाई, ठीक है. तो इसका आर का मुझे भी पता नहीं है, अगर मुझे पता चलेगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता देती हूँ, ठीक है. तो आप ये प्रोडक्ट का नाम बेसिकली याद रखिए कि 1990 में काइमोसिन फर्स्ट प्रोडक्ट था rDNA का इन फूड सप्लाई में. उसके बाद 1994 में फ्लेवर सवर नाम के टोमेटो की फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो GM क्रॉप है USA से हमको मिला और फ्रांस से भी मिला, ठीक है. दोनों हैं, USA एंड फ्रांस से मिला. ये फर्स्ट जेनेटिकली GM क्रॉप है जो था टोमेटो में, फ्लेवर सवर. ये लेट राइपनिंग था तो क्या हो रहा था, ज़्यादा दिन तक इसको स्टोरेज कर सकते थे. और ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग. 1995 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसजेनिक प्लांट इन फील्ड कंडीशंस में हुआ. एंड 1996 में फील्ड रिलीज ऑफ BT कॉटन. 2002 में कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ BT कॉटन इन इंडिया. ओके, इंडिया का आप याद रखिएगा, बेसिकली 2002 में स्टार्ट हुआ था कॉटन के ऊपर कमर्शियल जो हुआ. देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज़ दैट कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इट इज़ अ वेरी सिंपल कि इम्प्रूव्ड ऑयल क्वालिटी इन सोयाबीन एंड कैनोला, ठीक है. इसके अलावा भी और कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें यूज किया जा सकता है और किया गया है.
इनके इसके अलावा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट लाइक कॉटन में, कॉर्न में, सोयाबीन में, राइस में, बिकॉज बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का अटैक रहता है, मतलब वीड्स का अटैक रहता है, तो उस पर्पज़ के लिए ताकि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट आ जाए. एंड इंसेक्ट से रेजिस्टेंट के लिए जैसे कि कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो एंड पोटैटो, बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए कॉटन में किया भी गया है. टोमेटो में मैंने बताया फ्लेवर्स लेट रिपनिंग वेराइटी है. ओके एंड वायरस रेजिस्टेंट के लिए पपाया में, स्क्वैश में, पोटैटो में एंड इसके अलावा स्लो रिपनिंग एंड सॉफ्टनिंग लाइक दैट टोमेटो एंड मेलन्स में एंड मेल्सलिटी कैनोला एंड कॉर्न में. तो दे आर सम एग्जांपल्स जो कि मतलब क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में. नाउ वी सी द जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स. प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे अप्लाई हो रही है, वो यहाँ पर हम देखेंगे. ओके सो फर्स्ट इज़ दैट जीन आइडेंटिफाई एंड आइसोलेटेड. ठीक है, क्या होगा, जीन सबसे पहले इंसर्टेड होगा इनटू टीआई प्लाज्मिड में. जैसे ही वो टीआई प्लाज्मिड से इंसर्टेड हो जाएगा तो एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मिक्स्ड होगा विद द प्लांट सेल से. प्लांट सेल से मिक्स होने के बाद जो टीआई प्लाज्मिड है दे मूव इनटू द प्लांट सेल एंड इंसर्ट डीएनए इनटू प्लांट क्रोमोसोम. तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया मिक्स होगा प्लांट के सेल से और वो जो अपना टीआई प्लाज्मिड है जो कि जीन इंसर्ट हुआ था इनटू अ टीआई प्लाज्मिड में, वो टीआई प्लाज्मिड क्या होगा, मूव करेगा प्लांट के सेल में और वो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा अपने डीएनए को प्लांट के क्रोमोसोम में, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं. तो उससे क्या हो जाएगा कि सेल क्या होंगे, स्क्रीन किए जाएंगे फॉर ट्रांसजींस के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा स्क्रीनिंग फॉर द सेल विद द ट्रांसजींस के लिए. एंड देन ट्रांसफॉर्म जो सेल्स रहेंगे दे आर सेलेक्टेड विद द सेलेक्टेड सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करके एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स रिजनरेटेड फ्रॉम द सिंगल ट्रांसफॉर्म सेल से. एक सिंगल ट्रांसफॉर्म सेल से ट्रांसजेनिक प्लांट देन डेवलप हो जाएगा. तो दैट इज़ द प्रोसेस कि सबसे पहले जीन आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट करने के बाद उसको टी आई प्लाज्मिड में इंसर्ट कराएंगे. देन एग्रोबैक्टीरियम, दिस इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बायोटेक्नोलॉजी का मेन ही बेसिक है कि हम ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं. तो बैक्टीरिया जो है मिक्स्ड होगा प्लांट के सेल के साथ, तो ये जो बैक्टीरिया रहेगा अपना टीआई प्लाज्मिड को प्लांट के क्रोमोसोम मतलब जो अपना डीएनए है उसको प्लांट के क्रोमोसोम में इंसर्ट कर देगा या फिर वहां पर वो उसे मूव करेगा. एंड देन स्क्रीनिंग होगी, मतलब स्क्रीनिंग होगी सेल्स के लिए विद द ट्रांसजींस के साथ. एंड दिस ट्रांसफॉर्म सेल जो रहेगा वो क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करके हम सेलेक्ट करेंगे. एंड जो एक सिंगल ट्रांसजेनिक ट्रांसफॉर्म जो सेल है उससे ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होगा, वो रिजनरेटेड हो जाएगा. तो दिस इज़ द प्रोसेस यूज जिसमें हम एग्रोबैक्टीरियम का हमने किया. सेकेंड इज़ दैट जीन आइडेंटिफाई एंड आइसोलेशन करने के बाद हमने क्या किया, बी जीन गन का यूज़ किया. ठीक है, जीन गन जो भी है बम्बार्टमेंट टेक्निक्स है उसका यूज़ कर रहे हैं हम. जीन का देन रेप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें गोल्ड पार्टिकल्स कोटेड विथ डीएनए, डीएनए जो रहते हैं वो गोल्ड पार्टिकल से कोटेड रहते हैं. इसमें क्या होगा कि सेल शॉट विद द जीन गन एंड डी एन ए इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट सेल क्रोमोजोम. इसमें हम एक बॉम्ब मतलब एक बम्बार्टमेंट टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं गन से, मतलब एक तरह का गन रहता है जिससे हम बम्बार्टमेंट करते हैं. तो गोल्ड पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कोटेड रहेंगे डी एन ए के साथ और जो सेल शॉट होगा विद द जीन गन एंड डी एन ए क्या होगा फिर इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा इन टू द प्लांट सेल क्रोमोजोम में. तो ये एक पूरा होल प्रोसेस है जीन ट्रांसफ़र इन अ प्लांट्स में. Now we see the development of transgenic crop expressing insecticidal genes. So, सबसे पहला है क्राइटॉक्सिन, that is the BT cry 1 AB, cry 1 AC, cry 2nd A, cry 9 C, cry 2nd B, VIP first and VIP second. They are the ejectors are the क्या है जो एक्सप्रेस ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में एक्सप्रेसिंग करने वाले इंसेक्टिसाइडल जीन्स हैं ये. सेकेंड है प्लांट मेटाबोलाइट्स जैसे कि फ्लेवेनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स. एंड नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे कि SBTI, CPTI. देन एंजाइम्स में काइटिनेज, लिपोक्सीजिनेज एंड प्लांट लैक्टिन्स में GNA, ACAL, WAA. टॉक्सिन जो कि फ्रॉम द प्रेडेटर से हमको मिलता है टॉक्सिन्स जो कि है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स से.
insect hormones, जैसे कि neuropeptides and peptide hormone. They all are the insecticidal gene from source other than the bacillus thuringiensis. BT के अलावा जो और sources हैं insecticidal genes का, तो ये क्या क्या है? Plant metabolites हैं, enzyme inhibitors हैं, enzymes हैं, plant lectins हैं, toxin जो कि हमको predator से मिला है, and insects के hormones भी हैं. So pyrimidine genes जो रहते हैं, pyrimidine genes engineering transgenic crop with more than one gene to get multi-mechanistic resistant. So engineering transgenic crop किसके साथ? With more than, अगर one gene का use करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा? Multi-mechanistic resistant मिलेगा, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए resistant मिलेगा, that is the pyrimidine gene. ओके, याद रखिएगा आप लोग. Now we see the BT cotton. तो BT cotton की history देखते हैं. 1961 में BT was registered as a pesticide to the EPA. 2002 BT cotton was introduced in India. India में याद रखिएगा 2002 में introduce हुआ था. India has the largest hectares of the cotton and one third of the total cotton are planted in the world. Cotton yield increased from 308 kg per hectare in 2001-2 to the 500 kg per hectare in 2011-12 में. So आप देख सकते हैं कि कितना हमारा yield जो है वो BT cotton का use करने से बढ़ा. Now we see the major transgenic crop that is expressing BT gene for insect resistant. So transgenic crops है cotton, इसके अलावा maize, tomato, then again tomato, rice, potato, tobacco and brinjal. And target insects हैं basically हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोबर्पा जिया, इसके बाद हेलियोथिस वर्ष वेरिसेंस, एंड इसके अलावा भी आप देख सकते हैं चिलो पार्टेलस, एंड इसके मैंडुका सेक्स्टा, ल्यूसिनोडस, ऑर्बोनेलिस. सो सर्टेन काइंड्स ऑफ टारगेट इंसेक्ट पेस्ट हैं, और फॉरिजन जीन से जिसका यूज़ किया गया था. ये जो बेसिकली ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो कि बीटी जीन एक्सप्रेस किया जिन्होंने बीटी जीन फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए. सो ये लिस्ट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा तो इसमें सभी चीज़ों को याद करने की नीड नहीं है. बेसिकली कॉटन, टोमेटो, मेज का और टोबैको का आप याद रखिए, इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. नाउ ये ग्लोबल एरिया ऑफ बायोटेक क्रॉप्स का है, दैट इज़ द मिलियन हेक्टेयर्स 1996 टू 2012 तक का है ये, ठीक है. तो ग्रीन जो है लाइट ग्रीन, दैट इज़ द टोटल हेक्टेयर. उसके बाद ब्लू कलर का इंडस्ट्रियल है, एंड जो आपका ट्राइंगल में रेड कलर का, दैट इज़ द डेवलपिंग. ओके, एंड डार्क जो ग्रीन कलर का है, 28 बायोटेक क्रॉप कंट्रीज हैं ये. So a record 17.3 million farmer in 28 countries planted 170.3 million hectare in 2012, a sustained increase of 6% or 10.3 million hectare over 2011. Okay, now we see the requirements identified while producing transgenic plants. What are the requirement identify हुए जब हमको कोई transgenic plant produce करना है? So resistant should be controlled by a single gene. जो भी resistant है वो single gene से control होना चाहिए. Expression of transfer gene should occur in desired tissue at the appropriate time. So जो expression है, जो हमने gene transfer किया है, कि हमने सोचा कि हाँ हमको ये वाला quality चाहिए, इसलिए हमने उस gene को transfer किया. So जो उस gene का expression है वो सही जगह पे, सही टिश्यू पे, सही टाइम पे एक्सप्रेस होने चाहिए. सेफ फॉर द कंजप्शन, पीपल के कंजप्शन के लिए भी वो हेल्थ वाइज सेफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट वाइज सेफ होना चाहिए. एंड इनहेरिटेंस ऑफ द जीन इन द सक्सेसिव जनरेशन शुड बी वेरी स्टेबल. जो उसका इनहेरिटेंस है वो भी स्टेबल रहना चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए उसमें. नाउ वी सी द प्लांट डिराइव्ड जीन. ठीक है, जो प्लांट से डिराइव जीन है जो हमें मिले हुए हैं, दैट इज़ द प्रोटीज इनहिबिटर, एंटी मेटाबॉलिक प्रोटीन विच इंटरफेरेंस विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इंसेक्ट, स्ट्रेटजी बाय प्लांट्स. उसके बाद डाइट्री जो प्रोटीज इनहिबिटर्स, दे आर द डिटरमेंटल टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स लाइक दैट हेलिकोवर्पा स्पोडोप्टेरा. उसके बाद नेक्स्ट है अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर्स.
जो कि क्या है, इनहिबिट द डाइजेस्ट एंजाइम ऑफ मैमल्स एंड इंसेक्ट. सीड ऑफ सेवरल वेराइटीज ऑफ कॉमन बीन फेसियोलस वुलगेरिस इज दैट इज एग्जिबिट रेजिस्टेंट टू द बुरचिट बेटर्स कैलेसो ब्रुचस स्पीसीज. तो ये जो सीड्स हैं वो क्या करते, रेजिस्टेंस शो करते हैं बिकॉज ऑफ द अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं सीड में. एंड ट्रांसजेनिक टोबैको, जो टोबैको प्लांट्स रहता है जो ट्रांसजेनिक है, दे आर एक्सप्रेसिंग एमाइलेज इनहिबिटर फ्रॉम वीट अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर WAAI इंक्रीज द मोर्टिलिटी ऑफ द लेपिडोप्टेरियन लार्वी बाई 30-40%. ठीक है. लैक्टिन्स, दे आर द प्लांट डिराइव प्रोटीन दैट बाइंड टू ऑलिगो एंड पॉलीसेकेराइज कॉजेज एग्लूटिनेशन एंड सेल एग्रीग्रेशन ठीक है एग्रीगेशन एंड कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन इंक्लूडिंग द काइटिन कॉल द हेमोग्लूटिनिन PHA दैट इज़ द फाइटो हेमोग्लूटिन फाउंड इन द सीड ऑफ कॉमन बीन. ये पाया जाता है सीड ऑफ कॉमन बीन में, जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन है. उसको हम पूरे अगर एक बोला जाएगा उसको तो फाइटो हेमोग्लूटिन बोलेंगे, जो कि सीड ऑफ कॉमन बीन में पाया जाता है. इट बाइंड द काइटिन इन द पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन ऑफ मिडगट दस इंटरफेरिंग विद द न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ द इंसेक्ट्स. सो वीट जर्म एग्लूटीन WGA एंड स्नो ड्रॉप दैट इज द गैलेंथस निवेलिस एग्लूटिनी एंड GNA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे गैलेंथस निवेलिस एग्लूटिनी. ठीक. दैट इज द इनहिबिटर टू होमोपटेरियन पेस्ट एफिड प्लांट हॉपर एंड लीफ हॉपर मीन जो सकिंग पेस्ट है उनके लिए ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं, इंटरफेयर करते हैं. ठीक. और इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ये प्लांट डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं. उसके बाद अल्टरनेटिव टू BT डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स, लैक्टिन्स जो रहते हैं इनका इस तरह से यूज़ किया जाता है. नाउ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड एम्प्लॉयड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट है, सेकेंड है पार्टिकल एक्सेलरेशन, थर्ड है इलेक्ट्रोपोरेशन, फोर्थ है माइक्रो इंजेक्शन, फिफ्थ है RNA इंटरफेरेंस. सो दे आर द सर्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स विच इज़ एम्प्लॉयड टू द विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन अवर एग्रीकल्चर. सो एप्लीकेशंस इज दैट की फर्स्ट है कि TI प्लाज्मिड टू कैरी नोवेल DNA इन टू प्लांट्स. सो एग्जाम्पल BT इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट. सेकेंड इज द DNA कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स दैट इज फायर्ड इन टू ग्रोविंग टिश्यूज ट्रांसजेनिक सोयाबीन. इलेक्ट्रोफोरेशन में इलेक्ट्रिकल करंट यूज टू अल्टर प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन परमिटिंग DNA अपटेक दैट इज द ट्रांसजेनिक राइस. एंड माइक्रो इंजेक्शन DNA इंजेक्टेड इन टू द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोटोप्लास्ट जो कि है ट्रांसजेनिक टोमेटो. देन RNA इंटरफेरेंस ब्लॉकेज ऑफ जीन फंक्शन बाय इंसर्टिंग शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ RNA जो कि है पोटेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग कॉटन राइस एंड मेज अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट. सो दे आर द एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एटवाल एंड धालीवाल बुक 2013. नाउ सी द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड्स. ट्रांसजेनिक स्ट्रेन ऑफ मेटासिलस ऑक्सीडेंटलिस प्रेडेटर ऑफ स्पाइडर माइट. दे आर द प्रेडेटर ऑफ स्पाइडर माइट. ठीक है. जो है मेटासिलस ऑक्सीडेंटलिस ये एक ट्रांसजेनिक स्ट्रेन होता है स्पाइडर एंड माइट्स का. देन इसका मैटरनल माइक्रो इंजेक्शन किया जाता है जो कि ट्रांसजेनिक स्ट्रेन कैन बी यूज रूटीनली इन अप्लाइड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एज यू सी इन द पिक्चर्स. नाउ रेजिस्टेंट टू द पैथोजन, resistant to pesticides, adaptation to different environmental conditions, high fecundity, improved host seeking ability. ये जो रहते हैं ये genetic improvement हैं for the predator and parasitoids के लिए कि उनमें क्या क्या genetic improvements रहना चाहिए. तो उसमें pathogen के प्रति resistant रहना चाहिए, pesticides के लिए resistant रहना चाहिए, उनमें different environmental conditions के लिए adaptation रहनी चाहिए, high fecundity ratio रहना चाहिए and improved होस्ट सीकिंग एबिलिटी भी रहनी चाहिए. नाउ पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन IPM क्या क्या पोटेंशियल्स हैं. लो टॉक्सिसिटी ऑफ द प्रोटीएज इनहिबिटर्स एंड BT अल्फा एंडोटॉक्सिन एज कंपेयर टू द
कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स, इसका लो टॉक्सिसिटी रहता है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स. एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन ऑल प्लांट पार्ट, नो नीड ऑफ द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट, जो कि हमको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन ऑल पार्ट ऑल प्लांट पार्ट्स. देन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू दोज प्लांट पार्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड. ऐसे पार्ट जो कि हम इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड नहीं कर सकते उस पार्ट को भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. देर इज़ अ नो ड्रिफ्ट प्रॉब्लम एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता. एंड सेफ टू नॉन टारगेट स्पीसीज एंड ह्यूमन बींग्स, एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ लाइफ एंड फील्ड स्टेबिलिटी फेस्ड बाई द पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस एंड इनबिल्ड रेजिस्टेंट टू वेरियस काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड वीडिसाइड हर्बिसाइड ऑल्सो. रिस्क भी एसोसिएटेड, दैट इज द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, समटाइम्स मतलब टॉक्सिसिटी, फूड क्वालिटी, एलर्जिनिटी हो जाती है. एंड देन रिस्क फॉर द एग्रीकल्चर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्टरनेशन इन न्यूट्रिशनल लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट. रिस्क फॉर द एनवायरमेंट, परसिस्टेंट ऑफ जीन, अनप्रेडिक्टेबल जीन एक्सप्रेशन, इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म. रिस्क फॉर द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, दैट इज द इंटरेक्शन अमॉन्ग द डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक पॉल्यूशन थ्रू द पॉलन और सीड डिस्पर्सल, ट्रांसफर ऑफ जीन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. RNA, what is the RNA interference? So, method of blocking gene function by the inserting a short sequence of double stranded ribonucleic acid that match part of the target mRNA sequence, thus no protein are produced. So, knock down the expression of gene. क्या होता है कि इसमें एक ब्लॉकिंग करते हैं जीन फंक्शंस का, क्या उस किस तरह से कर रहे हैं, बाय द इंसर्टिंग द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है जो कि मैच करता है उस पार्ट से जो कि क्या कर रहे हैं, मैच करेगा टारगेट एमआरएनए सीक्वेंस से जहां पर प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जैसा कि मैकेनिज्म आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं. Now we see the major Indian center in transgenic research and application. 7 such centers were set up initially at the various university and institution, namely Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Madurai Kamraj University, Madurai, and Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Osmania University, Hyderabad, National Botanical Research Institute, Lucknow, Bose Institute, Kolkata, University of Delhi South Campus in 1997. They are the 7 such center जहाँ पर initially various मतलब major क्या है transgenic research and application center establish हुए हैं. Now the conclusion is that biotechnological approaches play a important role in insect pest management. Thus the efficiency of the biocontrol agents can be increased through rDNA मतलब recombinant DNA technology. So DNA barcoding can help in quick and accurate identification, DNA fingerprinting help for identification of biotype and genetic change in insect pest also. So they are the conclusion, ठीक है. So आज के वीडियो में इतना enough है. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट